अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। डेटाबेसिस के एडवांस कोर्स की एक नई वीडियो में मैं आप सब लोगों को खुश आमदीद करता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेटा मॉडल्स के एवोल्यूशन पर। तो पिछली चंद वीडियो से हम डेटा मॉडल के बेसिक कंपोनेंट्स पर बात कर रहे थे, तो आज की वीडियो से हम बाकायदा डेटा मॉडल्स का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर सबसे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एवोल्यूशन चेक करेंगे कि ये किस तरीके से इर्तका के मराहिल से गुजर कर हमारी डेटा मॉडल्स आए हैं, जो हम डेटा मॉडल यूज़ करें, और वन बाय वन फिर सबको कवर करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कौन सी डेटाबेसेस हमारे लिए बहुत मोस्ट फिजिबल हैं। तो दोस्तों, जिस तरह हम लोगों ने सिमिलर टू फाइल सिस्टम डेटा मॉडल्स हैव बीन इवॉल्व्ड, जैसा कि हमने फाइल सिस्टम की फाइल सिस्टम प्रोसेसिंग के अंदर देखा था कि उनकी किस तरीके से एवोल्यूशन हुई थी या उन किस तरह वो इर्तका के मराहिल से गुजरी थी, ठीक है। तो उसके अंदर आप लोगों ने या हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले हमारे मैनुअल फाइल सिस्टम आते थे, उसके बाद कंप्यूटराइज्ड बेस्ड फाइल सिस्टम आते थे, और उसके बाद हमारे डेटाबेस सिस्टम आते थे, ठीक है। तो सिमिलरली डेटा मॉडल्स भी इसी तरीके से इवॉल्व होते रहे हैं, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ न्यू डेटा मॉडल्स वॉज एन अटेम्प्ट टू रिजॉल्व प्रीवियस डेटा मॉडल्स शॉर्ट कमिंग्स एंड नीड ऑफ द डे। तो डेटा मॉडल्स, नए डेटा मॉडल्स बनाने का क्या वजह थी? तो वही वजह थी जो कि हमारे फाइल सिस्टम के अंदर थी, कि नए डेटा मॉडल्स को डेवलप करने का मकसद ये था कि पुराने जो डेटा मॉडल्स हैं उनकी जो उनके अंदर जो फ्लॉज आ रहे हैं, उनके अंदर जो शॉर्ट कमिंग्स आ रही हैं या जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको रिजॉल्व किया जाए, और उसके साथ साथ जो नई चीज़ें हमें ज़रूरत हैं जो उनके अंदर मौजूद नहीं है या वक्त के साथ ज़रूरियात हैं, डेटा में डेटा के अंदर नए ट्रेंड्स आ रहे हैं या जो कुछ है, वो सारा कुछ वो सारी ज़रूरियात हमारे नए डेटा मॉडल पूरी करें। तो नए जो डेटा मॉडल बनते हैं वो नई ज़रूरियात के हिसाब से बनते हैं, तो इस हिसाब से जो पुराने डेटा मॉडल बने होते हैं वो पुराने ट्रेंड्स के हिसाब से बने होते हैं, तो वो इस तरीके से नए जो ट्रेंड्स हैं उनको उस तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर सकते या उनको बड़े अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम इस तरह कर लेते हैं कि नए डेटा मॉडल्स आते हैं जो कि इस तरह कर लेते हैं कि पुराने डेटा मॉडल्स के अंदर जो भी फ्लॉज या जो कुछ भी है न सिर्फ उसको रिजॉल्व करते हैं बल्कि उसके साथ साथ वक्त की ज़रूरियात को भी पूरा करते हैं, ठीक है। तो डेटा मॉडल्स क्या होते हैं? डेटा मॉडल्स फिजिकली तो कोई चीज़ होती नहीं है, ठीक है, ये एक स्कूल ऑफ थॉट होते हैं, ठीक है। डेटा मॉडल्स आर नथिंग बट स्कूल ऑफ थॉट दैट एक्सप्रेस, यानी डेटा मॉडल्स खुद तो एक फिजिकल चीज़ नहीं है लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट है कि इसके अंदर किस तरीके से हमारी डेटाबेसिस बनेंगी या किस तरीके से, यानी हम उस स्कूल ऑफ थॉट को अडॉप्ट करेंगे तो हम कहेंगे फलाने डेटा मॉडल को हमने यूज़ किया है, ठीक है। और अगर हम किसी दूसरे को यूज़ करेंगे तो हम कहेंगे कि उस फलाने डेटा मॉडल्स को, यानी हम स्कूल ऑफ थॉट है जिसको यूज़ करेंगे तो हम कहेंगे कि हमारी डेटाबेस तो उस डेटा मॉडल के ऊपर बनी हुई है। जैसा कि आप लोग अमूमन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कोर्सेज के अंदर देखते होंगे तो कि डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं, ठीक है, और डिफरेंट मॉडल्स हम यूज़ करते हैं। तो सेम हमारा डेटा मॉडल्स का भी यह है कि इसके अंदर क्या होता है, लेकिन ये चंद चीज़ें बताती हैं, ठीक है, कि डेटा मॉडल्स के अंदर चंद मालूमात जो होते हैं, चंद मालूमात पे ना होती हैं जो कि ये होती हैं व्हाट डेटाबेस इज़, यानी डेटाबेस हमारी क्या है, और इस डेटाबेस यानी उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन होती है कि डेटाबेस क्या है, ठीक है, जो हम डेटाबेस बना रहे हैं वो किस किस्म की है। व्हाट डेटाबेस टू, यानी हम जो डेटाबेस बनाने वाले हैं वो डेटाबेस क्या करेगी, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इट विल एम्प्लॉय, यानी किस किस्म का इसके अंदर स्ट्रक्चर होगा, टेबल्स वगैरह किस किस्म के होंगे या किस तरीके से होगा या टेक्स्ट होगा क्या होगा, तो ये सारा कुछ। टेक्नोलॉजी रिकॉर्ड, यानी ये डेटा मॉडल्स बताते हैं कि इसके लिए हमें कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, जैसे कि पुराने डेटा मॉडल्स के लिए फाइल सिस्टम था, उसके अंदर हमें फाइल सिस्टम ही चल जाता था, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे चीज़ें इवॉल्व होती गई हैं तो उसके साथ टेक्नोलॉजी बढ़ती गई है, ठीक है। सिमिलरली इस तरह होता है कि जो नो एसक्यूएल है वो उसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स हार्डवेयर और ये चीज़ें सारा कुछ चाहिए होता है, ठीक है। तो अब हम इस तरह कर लेते हैं कि देखते हैं कि चार पांच जनरेशन्स जो भी जो हमारी जनरेशन हैं डेटा मॉडल्स की उनको कवर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हम डेटा मॉडल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डिस्कस करेंगे, यानी सबसे पहले वाला सबसे पहले, फिर उस यानी जनरेशन वाइज कवर करेंगे, और इसके अंदर ना हम पुराने ना सिर्फ हम पुराने डेटा मॉडल्स की शॉर्ट कमिंग्स को डिस्कस करेंगे बल्कि हम इस तरह करेंगे कि नए मॉडल्स के अंदर पुराने डेटा मॉडल्स की रिजेंबलेंस या वाकफिया या उसकी जो मवासलत है वो भी कवर करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे डेटा मॉडल्स के एवोल्यूशन को। तो सबसे पहले आती है हमारी फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, डेटा मॉडल्स की। ये 1960 से 1970s के दरमियान आई थी और इसको हम फाइल सिस्टम कहते थे, VMS, VSM वगैरह वगैरह इसकी बेहतरीन एग्जांपल थी। तो ये अमूमन तब उस दौर में मैन फ्रेम सिस्टम बहुत ज़्यादा यूज़ होते थे तो उनके ऊपर यूज़ होती थी, ठीक है।
और इसके अंदर रिकॉर्ड्स को मैनेज किया जाता था, उनके अंदर रिलेशनशिप नहीं होते थे, जैसा कि हम फाइल सिस्टम के अंदर काफ़ी सारी बात पहले कर भी आ चुके हैं। उसके बाद हमारे सेकंड जनरेशन है, जिसको हम कह सकते हैं कि डेटाबेस सिस्टम की पहली जो डेटाबेस सिस्टम जिसे हम कह सकते हैं, वो उसे हम ये कह सकते हैं। लेकिन डेटा मॉडल्स चूँकि हम कर रहे हैं, तो डेटा मॉडल्स में ये हमारे सेकंड जनरेशन होगी। ये 1970s में आई थी और इसके अंदर दो टाइप के डेटा मॉडल्स थे, हायरार्किकल और नेटवर्क डेटा मॉडल। ठीक है, उसके लिए उसकी मिसालें IMS था, एडाबस था, ADS2 है। तो ये अर्ली डेटाबेस सिस्टम थे। इसके अंदर मज़े की बात, जिस तरह फाइल सिस्टम के अंदर रिलेशनशिप नहीं थे, लेकिन इसके अंदर रिलेशनशिप थे, उनके अंदर नेविगेशनल एक्सेस थी। और उसके बाद हमारी आ जाती है थर्ड जनरेशन। ठीक है, थर्ड जनरेशन मिड 1970s में आई थी। ठीक है, तो इसको हम रिलेशनल डेटाबेस, या जो आजकल बहुत ज़्यादा है वो है रिलेशनल डेटाबेस। तो इसको वो हम करते थे, ये वो डेटाबेस सिस्टम है। ठीक है, और जो आजकल भी बहुत इन है, और हमारा जो मेन फोकस होगा वो रिलेशनल डेटा मॉडल्स पर होगा। बाकी का डेटा मॉडल्स को भी हम काफ़ी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस पर हमारा बहुत ज़्यादा फोकस होगा। ठीक है, इसके अंदर हम क्योंकि आजकल यूज़ हो रहा है, ठीक है, नॉर्मल जो हमारे एनवायरनमेंट है उसके अंदर यूज़ हो रहा है, तो उसके अंदर हम इसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। तो इसके अंदर हमारी DB2 आती थी, ओरेकल आती थी, MS आता था, यानी माइक्रोसॉफ्ट के थे, और उसके अलावा SQL सर्वर है, MySQL वगैरह वगैरह। तो उसकी खसूसियात ये थी कि इसके अंदर कंसेप्चुअली सिंपलिसिटी थी, मैथमेटिक बेस्ड थी। ठीक है, मैथमेटिक जिस तरह फार्मूले यूज़ होते थे, इसी तरीके से ऑपरेशन इसके ऊपर यूज़ होते थे। ठीक है, और उसके अलावा जो इसके अंदर जो दूसरी खसूसियत थी कि इसके अंदर ये आर मॉडलिंग या एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग वगैरह यूज़ होती थी। ठीक है, और इसकी मदद से हम अपने डेटा मॉडल को बड़े अच्छी तरीके से डिज़ाइन कर सकते थे। उसके बाद हमारी आती है फोर्थ जनरेशन, जो मिड 1980s में आई थी, और उनको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड या ऑब्जेक्ट रिलेशनल डेटाबेसेस भी कहते हैं। तो ये मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये डेटाबेसेस अमूमन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट को कवर करने के लिए आई थी। ठीक है, और इसके अंदर स्टार्स के मैं वेयर हाउसिंग, वेब डेटा बेस वगैरह वगैरह यहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ हुई हैं। तो इसकी मेन एग्जांपल वर्सेंट, ऑब्जेक्टिविटी, DB2, UDB और रैकल वगैरह, रैकल 12 थी वगैरह वगैरह थी, फोर्थ जनरेशन थी। ठीक है, और ये हम इतनी ज़्यादा कवर तो नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत कवर करेंगे। उसके बाद हमारी फिफ्थ जनरेशन आती है मिड 1990s, XML लाइब्रेरी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा सपोर्ट करते थे। ठीक है, और XML डॉक्यूमेंट्स हो गई, हाइब्रिड डेटाबेस मैनेजमेंट वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ ये सपोर्ट करती थी। लार्ज डेटाबेसेस जैसे कि टेराबाइट्स की साइज़ की डेटाबेसेस को ये सपोर्ट करते थे। तो इस पर हमारा इतना ज़्यादा फोकस नहीं होगा, शायद हम इंट्रोडक्शन में भी जब हम कर रहे हो तो इसको स्किप करें, बाद में अगर हमें टाइम मिला तो इसे कवर करेंगे। तो इसमें DBXML है, टमिनो है, DB2 है, UDB है, ओरेकल 12 सी है, MS SQL सर्वर है। मेरी कोशिश होगी कि मैं इसके पर एक अलग से कोर्स स्टार्ट करूं DB2 या इन चीज़ों पर, फिफ्थ जनरेशन पर। और उसके अलावा हमारे पास जो नए डाटा मॉडल या इमर्जिंग डाटा मॉडल्स हैं, या NoSQL वगैरह, या जो कुछ भी हैं जिनकी अर्ली 2000 से लेकर अब तक के हैं, जो कि जिनको हम की वैल्यू स्टोर कॉलम स्टोर अमूमन डेटा मॉडल कहते हैं। तो ये अमूमन डेटा मॉडल्स अमूमन बहुत बड़े लेवल पर यूज़ होते हैं, जहाँ हमारे बहुत बड़े जिस तरह गूगल हो गया, या फेसबुक हो गई, या हमारे सोशल मीडिया है, जहाँ बहुत ज़्यादा डेटा एट द टाइम सारे यूज़ हो रहा है। अमेजोन हो गया, अपाची वगैरह, ये सारा कुछ, तो वहाँ ये यूज़ होती हैं। ठीक है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, हाईली स्केलेबल होती हैं, इनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा होती है, और इनके अंदर बहुत ज़्यादा टॉलरेंट थोड़ी सी होती है। और इसके अलावा इनकी जो स्टोरेज होती है बहुत ज़्यादा होती है, पेटाबाइट्स वगैरह में होती है। ठीक है, और उसके अलावा इनके अंदर APIs वगैरह की सपोर्ट होती है। तो इसकी में एग्जांपल्स हैं सिंपल DB है, जो कि अमेज़ोन की है, उसके अलावा बिग टेबल है, गूगल का है, कसेंड्रा है, अपाची का, MongoDB और रिएक्ट वगैरह वगैरह है। तो ये हमारे डेटा मॉडल्स थे, जिसके अंदर हमने देखा कि हमारे कौन से डेटा मॉडल हैं। तो उसके अंदर हमने पांच जनरेशन की बात की, और उसके बाद हमने बात किया कि इमर्जिंग डेटा मॉडल्स की। तो इंशाल्लाह जब टाइम आएगा तो इंशाल्लाह सबको कवर करेंगे। XML बेस्ड जो हमारी एवरेज डेटा बेसिस हैं, उनको थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि स्किप करें, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि तमाम टॉपिक्स कवर करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस तरह करेंगे कि फाइल सिस्टम तो खैर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो सेकंड जनरेशन ये यानी हायरार्किकल और नेटवर्क डाटा मॉडल से हम
टॉपिक आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।